राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे चरण सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में। और आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 7:30 हो रहा है। जा रहे हैं पूजा करने के लिए, नहा धो करके आ गए हैं और बस अमित जा रहे हैं पूजा करने। झंडे का जो बजरंग बली का झंडा लगाते हैं उसका, और यहाँ पे अमित पूजा कर लिया है। जय माता दी। यहाँ पे अभी आरती नहीं हुआ है क्योंकि अभी हम पूजा करेंगे और अमित बजरंग बली का पूजा करेगा, क्योंकि हम लोग नहीं करते हैं। तो अमित बजरंग बली का पूजा करेगा तो दोनों आरती साथ में कर लेंगे। और हम लोगों को कहीं जाना भी है, पैकिंग हो गया है, पर शायद जा पाए या ना जा पाए पता नहीं। ये देखिए पैकिंग हो गया है। पूरा पैकिंग कंप्लीट है। यहाँ पे बाबू के लिए गाड़ी ले जा रहे हैं। मेरा बीपी 19-20 रहता है, उसके लिए बीपी मशीन है। ये मिठाई का डब्बा है और ये बंदूक बाबू के लिए। और यहाँ पे पर्स भी कैरी हो गया है, पर थोड़ा सा तबीयत मेरा गड़बड़ लग रहा है, इसकी वजह से पता नहीं क्या होगा। तो बस जा रहे हैं पूजा करने के लिए और इसके बाद देखते हैं नाश्ता बनाएंगे। और 9 बजे ही निकलना है और 7:30 हो गया है। तबीयत ठीक रहा, सब कुछ हो गया अच्छे से, तो कोशिश रहेगा। एक बैग यहाँ भी है। तो फटाफट जा रहे हैं पूजा कर लेने, इसके बाद साथ में आरती कर लेंगे। मेरा पूजा हो गया और आरती बाकी है। अमित यहाँ पे पूजा कर ले, तब जाकर आरती करेंगे। पूरा अबीरवा नया है अबीर? हाँ नया, इस बार जलाए थे होली में। पूरा तो खुशबू आ रहा, जितना जल्दी जल्दी करना। पूरा मेरा सर्दी हो गया भाई। और यहाँ पे सारा पूजा हो गया था, तो फिर अमित झंडा लगा रहा है और थोड़ा सा झंडा लगाने में कठिनाई हुआ। बजरंगबली अपना रूप दिखा रहे थे, झंडा लग ही नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है हर श्रृंगार का पेड़ है पौधा है जो भी है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा था। इधर उधर करते करते तब जाके झंडा हम लोग लगा पाए। वैसे इस पेड़ को काटना था पर इसका पत्ता है जो हम पीते हैं, जिसकी वजह से इसको काट नहीं पा रहे हैं। पर अब लग रहा है काटना पड़ेगा क्योंकि झंडा लगाने में हम लोगों को तो बहुत दिक्कत हुआ इस बार। और यहाँ पे बस ये देखिए झंडा लहरा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पूजा हो गया तो अब सोचे हम लोग की आरती कर लेते हैं। और सबसे पहले यहीं पे आरती कर रहे हैं, दुर्गा माँ का आरती कर रहे हैं, और इसके बाद फिर बाहर में बजरंग बली का आरती करेंगे। और बस हमारी पूजा हो गई, मेरी तो हो गई। अमित अभी थोड़ा सा जाप करेगा और इसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट किए थे, पानी वगैरह पिए थे, और इसके बाद फिर नाश्ता बनाए थे।
सुबह से शाम हो गया कोई वीडियो शूट नहीं किए थे क्योंकि मेरा तबीयत खराब ही हो गया था। पता नहीं अंदर से शायद बुखार है, ऊपर से तो नहीं है अंदर से है, क्योंकि जो बुखार के बाद वाला चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे हो गया। और देखते हैं अभी भी निकलने के लिए। और खाना में बनाए थे पूजा करने के बाद पूड़ी और सब्जी, तो अभी भी बचा हुआ है और किचन सल्टाना है और जाना भी है। ये भी चीज़ का टेंशन है कि जाना भी है। पूरा किचन अस्त व्यस्त है। ये देखिए पूरा बर्तन भी ऐसी है, जा रहे धोने के लिए। ये सब्जी थोड़ा सा पूड़ी बचा हुआ है और अब जा रहे थोड़ा सा लिट्टी बना देते हैं। वैसे चावल नहीं खाए हैं तो अजीब सा लग रहा। और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अखाड़ा आ रहा है, लाइन कट गया है, रामनवमी का अखाड़ा निकला हुआ है, वही आवाज़ आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं।